हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग बिगोनिया के प्लांट के बारे में इसकी केयर टिप्स देखेंगे और इसकी बहुत सिंपल चीज़ें देखेंगे, और अगर वो फॉलो करते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और पूरे विंटर्स ये फ्लावरिंग करता रहेगा। इनफैक्ट इसकी लीव्स भी इतनी प्रिटी लगती हैं कि खाली फोलिएज ही इसका रहे तब भी बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है। और ये बिगोनिया कई वैरायटीज में आता है, ये वैरायटी एक है। इसमें भी कई होती हैं जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं, पिंक फ्लावर्स होते हैं, रेड होते हैं, और इसके में कईयों में ग्रीन लीव्स होती हैं, रेड लीव्स होती हैं। मगर ये सब बहुत ही प्रिटी प्लांट्स हैं और ये पेरिनियल भी रह जाते हैं अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करें। ये मेरा मदर प्लांट है, ये वाला बड़ी डिश में, और इसी में से काट काट के मैं सब जगह लगाती हूँ। ये हैंगिंग बास्केट है और ये हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत सुंदर लगता है, और इसकी केयर हैंगिंग बास्केट में और भी सिंपल हो जाती है क्योंकि पानी टिकता ही नहीं है, ऊपर से डालो और नीचे से निकल आता है। अब इसकी हम लोग कुछ केयर टिप्स देखेंगे, सिंपल 5 स्टेप्स में मैं बताऊंगी कि पॉटिंग सॉइल से लेकर इसकी फ्लावरिंग तक कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको कैसे आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। इसकी प्रोपोगेशन एक्चुअली में बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अगर आपने इसको सरवाइव करा दिया। ये बिगोनिया की लीव्स ग्रीन रहती हैं समर्स में, ये देखिए सारी ग्रीन है एकदम, और जैसे विंटर्स अप्रोच करते हैं, जब डेज शॉर्ट हो जाते हैं, नाइट्स लंबी हो जाती हैं और कूलर हो जाती हैं, और डेज और नाइट का टेम्परेचर दोनों डाउन हो जाता है, तब दिखाती हूँ कैसे लगता है बिगोनिया की लीव्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसकी लोकेशन देखते हैं। इसकी लोकेशन थोड़ी सी शेड वाली जगह होनी चाहिए और एकदम बहुत ज्यादा हार्श सन में रहेगा तो इसकी लीव्स और स्टॉक्स बहुत टेंडर होते हैं, बहुत टेंडर लीव्स स्टॉक्स है इसकी, तो वो सारी खराब हो जाती है, जल जाती है। इनफैक्ट इसकी फ्लावर्स भी बहुत डेलिकेट होते हैं। तो इसकी लोकेशन आप इसको शैलो डिश में लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप नहीं होती, इसकी रूट्स बहुत शैलो रूट्स होती हैं, और उसी के वजह से इसमें रूट रॉट भी हो जाता है। उसी के वजह से आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं क्योंकि शैलो रूट्स है। इसको ग्राउंड कवर की तरह भी यूज कर सकते हैं, कई तरह से इसको आप लोकेशन में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग सॉइल क्या लेंगे, क्योंकि अगर सॉइल आपने राइट ले ली तो ये प्लांट आपके साथ पूरे ईयर सरवाइव कर सकेगा और इसमें फ्लावरिंग भी इजी हो जाएगी, ओवर वाटरिंग का भी खतरा कम हो जाएगा और इन्फेस्टेशन जो रूट रॉट होता है वो भी खतरा कम हो जाएगा। तो पॉटिंग सॉइल में मैंने क्या लिया है, पॉटिंग सॉइल में मैंने लिया है 1/3 गार्डन सॉइल लिया है, 1/3 सैंड लिया है और 1/3 इसको कॉम्पोस्ट या ऑर्गेनिक मैटर बहुत पसंद है। तो अगर कॉम्पोस्ट नहीं है तो वर्मी कम्पोस्ट डाल सकते हैं, घर का कॉम्पोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद जिसको काउडंग मेन्योर कहते हैं एकदम कंपोस्टेड हो वो 1/3 ले लीजिए। तो इसके लिए बहुत बढ़िया ये पॉटिंग सॉइल बनेगा। साथ में इसके नीम खली और बोन मील लेके एक फिशफुल ले सकते हैं और थोड़ा सा फंगीसाइड, ये सारी चीजें डाल के अगर आप बनाएंगे, तैयार करेंगे इसकी पॉटिंग सॉइल, तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी क्योंकि इसको ऑर्गेनिक मैटर काफी पसंद है। अब नेक्स्ट इसका लेते हैं कि हम लोग इसको वाटरिंग कैसे करेंगे। इसमें वाटरिंग के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर इसमें एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो इसमें बहुत जल्दी रूट रॉट हो जाता है और रूट रॉट की वजह से पूरा प्लांट डाईबैक कर जाता है। और वाटरिंग का बेस्ट तरीका चेक करने का है कि आप चेक करिए हाथ से उंगली से कि इसमें ड्राई है सॉइल, जब ड्राई है तभी पानी डालें, नहीं तो एकदम पानी डालने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल मेथड है, अगर एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला तो ये प्लांट बहुत अच्छा सरवाइव करता है। ये मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से रूट रॉट होता है, प्लांट खत्म होता है। पहले मैं कुछ दिखा देती हूँ कि मैंने और भी प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये देखिए इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है और अभी ये पॉट्स में लगे हुए हैं, हो जाएगी शुरू, और इनफैक्ट इसकी फ्लावरिंग एक बार होनी शुरू होती है तो ये जैन फेब मार्च अप्रैल तक भी चलती रहती है। इनफैक्ट कई बार तो अगर आपने इसको सरवाइव करा लिया तो मई में भी थोड़ी बहुत, हालांकि इतनी प्रिटी फ्लावर्स नहीं निकलते जितने विंटर्स में निकलते हैं, मगर आते रहते हैं थोड़े बहुत फ्लावर्स। फर्टिलाइजर इसके लिए
बहुत सिंपल है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप इसमें थोड़ा काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट लिक्विड डालते रहते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो आप अगर आपने नीम मस्टर्ड के लिक्विड बना रखा अगर वो डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया ये चलता रहता है। अगर इसकी इन्फेस्टेशन की बात करें तो इसमें इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसमें रूट रॉट की मेजर प्रॉब्लम होती है और उसको आप सॉल्व कर सकते हो इसमें कम वाटर डाल के, जब वाटरिंग ऊपर से ड्राई हो जाए तभी वाटर डालें, नहीं तो तब तक वाटर एकदम भी ना डालें। ये वाटरिंग का है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।